तो गाइस आज हम बताने वाले हैं गिलोटिन का ओरिजिन, जिसका ह्यूमन नेम जेनिन सोवाज है। खैर उसकी तरफ बाद में चलते हैं, पहले चलते हैं पेरिस 1793 के अंदर, जहां शहर के नीचे सुरंगों के अंदर एक आदमी भाग रहा होता है। तब उसे एक आवाज सुनाई देती है, जेन डेस्मरासिस तुम्हारा पीछा किया जा रहा है, तुम्हारे पुराने दोस्त अब तुम्हें एक विद्रोही मानते हैं, वो इन सुरंगों के अंदर तुमको खोज रहे हैं और जब वो तुमको ढूंढ लेंगे तुम मर जाओगे। जेन कहता है, रुक जाओ, मुझसे बात करना बंद करो, आखिर तुम मेरे दिमाग में कैसे बोल सकते हो, तुम हो कौन? आवाज आती है, मैं साल्वेशन हूँ। अब जेन एक दूसरे सुरंग के दरवाजे से गुजर रहा होता है कि उसे आवाज आती है, रुक जाओ, इस रास्ते पे जाओ, चलते जाओ, यही सही रास्ता है, मेरी आवाज को फॉलो करते जाओ और वैसा करते जाओ जैसा मैं तुम्हें कह रहा हूँ और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब जेन उस आवाज के द्वारा बताई गई सुरंग में जाता है और उसे सुरंग के आखिर में एक तलवार मिलती है। जेन कहता है, मैं पागल हो जाऊंगा। आवाज आती है, हो सकता है, और गाइस ये आवाज तलवार के अंदर से आ रही है। तलवार कहती है, शायद अब तक मैं एक ऐसी आदमी को ढूंढ रही थी जो कि काफी पागल है, इतना पागल कि वो मुझे बोलता हुआ सुन सके, मुझे उठा सके अपनी जिंदगी के बाकी दिनों तक। हमें एक दूसरे की मदद करने दो, चलो तुम्हारे खून की कसम खाएं कि हम मिलकर एक दूसरे के दुश्मनों से निपटेंगे और उन सबको मार देंगे, क्योंकि मैं बहुत बहुत ज्यादा प्यासी हूँ। अब दो लोग जो कि जीन को ढूंढ रहे थे, वो जीन को ढूंढते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं और कह रहे हैं, हमें उसके फुटप्रिंट्स दिखाई दे रहे हैं, जब हमें वो मिल जाएगा तो मैं उसका सिर गुलोटिन में काट दूंगा। तब जीन उनसे कहता है, तुम मुझे गुलोटिन तक लेकर जाना चाहते हो मेरे दोस्तों, तुम्हारी वो हत्या करने वाली मशीन के पास, लेकिन तुम कैसे लेकर जाओगे, क्योंकि इस टाइम मैं वो हत्यारा हूँ, मैं बिना दया के एक पनिशमेंट हूँ, क्योंकि मैं वो मशीन हूँ जो लोगों को मारती है, मैं हूँ गुलोटिन और मैं फ्यूचर हूँ। तब जेन गुलोटिन के नाम से फेमस हो जाता है और उन दोनों को मार देता है। इसके बाद वो इस पूरी दुनिया के अंदर उस तलवार का यूज करने लगता है और इसी तरीके से सालों दर साल उसके बच्चे और उनके बच्चे भी उस तलवार का यूज करने लगते हैं, और इसी तरीके से ये तलवार प्रेजेंट की गुलोटिन तक पहुंच जाती है, जिसका नाम जेनिन सुवाज है। लेकिन इसको ये तलवार कैसे मिली, इसकी कहानी कुछ अलग है। जब ये 12 साल की थी तो जेनिन सुवाज को अपने घर के अंदर एक आवाज सुनाई देती है जो कि उसी तलवार की होती है। इस आवाज का पीछा करते करते जेनिन अपने घर के अंदर एक ऐसे कमरे तक पहुंच जाती है जो कि अक्सर बंद रहा करता था। उस कमरे में एक संदूक के अंदर उसको यही तलवार मिलती है जिसका नाम है ला फ्लेर डुमल। जब जेनिन इस तलवार को देख रही थी तब उसकी उंगली इस तलवार से कट जाती है और उसका खून इस तलवार के ऊपर गिर जाता है, जिससे जेनिन अपने पुरखों की तरह इस तलवार की मालिक बन जाती है, या फिर एक तरीके से कहें कि उसे इस तलवार के मालिक बनने का श्राप मिलता है। हालांकि जेनिन इस तलवार का यूज अच्छे कामों के लिए करती है, लेकिन वो जिस नाम का यूज करती है यानी कि गुलोटिन, उसकी रेपुटेशन बहुत ही खराब है, क्योंकि इससे पहले उसके पुरखे इस नाम का यूज करते थे और वो अक्सर लोगों को मारा करते थे। हालांकि मार्वल यूनिवर्स के अंदर जेन की बहुत ही कम अपीयरेंस है। एक शाम जेनिन चर्च के छत पे खड़ी थी और उसने इम्पनिस को पकड़वाने में पुलिस की मदद की थी, लेकिन वो पुलिस इंस्पेक्टर जिसको नहीं पता होता कि गुलोटिन उस टाइम कहाँ पे थी, वो चिल्लाता है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे सुन रही हो और मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि चाहे तुम अच्छा काम करो या बुरा काम करो, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है, तुम्हारी डार्क लेगेसी इस शहर के लिए एक श्राप है और मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा। तब वो तलवार जेनिन से कहती है, तुम्हें उसे मार देना चाहिए। जेनिन कहती है, इस तरीके से बिहेव मत करो, वो इंस्पेक्टर बस अपना काम कर रहा है और वो मेरा मंगेतर भी है। तलवार कहती है, तब तो बढ़िया है, तुम उसके पास जा सकती हो और तब उसे मार देना, मुझे बहुत प्यास लगी है। जेनिन कहती है, तुम्हें वही खून मिलेगा जो मैं तुम्हें दूंगी और तुम्हें उसी खून से संतुष्ट होना पड़ेगा। तलवार कहती है, इतने छोटे छोटे घाव मेरे लिए काफी नहीं है, मुझे और खून चाहिए। जेनिन कहती है, बस बहुत हो गया, अगर मेरे एंसेस्टर की बार्गेनिंग का मतलब है कि मुझे तुम्हारा यूज करना पड़ेगा तो ठीक है, लेकिन ये मैं डिसाइड करूंगी कि तुम्हारा यूज कैसे करना है, मैं तुम्हारे खून की लत में नहीं पड़ने वाली।
क्या तुम समझ रही हो, कोई मुझसे ये सब नहीं करवा सकता। तब वहाँ पे एक समनर आता है जो जेनिन से कहते हैं तुम्हें बुलाया जा रहा है। इसके बाद ये समनर जेनिन को बैटन ब्रैम के अंदर लेकर जाता है ताकि वो कलेक्टर और ग्रैंड मास्टर के कंटेस्ट ऑफ चैंपियन में पार्टिसिपेट कर सके, जो कि आइसोस्फीयर के लिए लड़ रहे थे। वहाँ पे कई सारी लड़ाइयों में बच जाने के बाद जेनिन अपनी होम रियलिटी में वापस आ जाती है, और ऐसा तब होता है जब उनमें से एक कंटेस्टेंट जिसका नाम आउटला है वो माइस्ट्रो के हाथों से आइसोस्फीयर छीन लेता है, और माइस्ट्रो ने ये आइसोस्फीयर कलेक्टर से हासिल किया था। तब आउटला इस आइसोस्फीयर की पावर्स का यूज करते हुए बैटरी रैम के सारे कंटेस्टेंट्स को उनके घर भेज देता है, जिसपे ग्लोटिन आउटला के साथ इंग्लैंड वापस आ जाती है, और साथ ही साथ वो सारे कंटेस्टेंट्स वापस आ जाते हैं जो कि अर्थ से बैटरी रैम के अंदर गए थे, और ये सब मिलकर एक टीम बनाते हैं। अब गिलोटिन की तीसरी अपीयरेंस सीक्रेट एम्पायर के दौरान की है, जब हाइड्रा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर कंट्रोल कर लेता है, तब गिलोटिन और चैंपियंस ऑफ यूरोप के बाकी मेंबर्स एक टीम बनाते हैं ताकि वो हाइड्रा को यूरोप में बढ़ने से रोक सके। और गाइस, मार्वल कॉमिक्स के अंदर गिलोटिन का बस इतना ही अपीयरेंस है। और जहां तक इस तलवार की बात है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, ये एक मैजिकल तलवार है जिसको जीन डेस्मरासिस ने ढूंढा था, जो कि जेनिन का एक पूर्वज था, और इस तलवार की शक्तियों के बदले जेन और उसके उत्तराधिकारियों को इस तलवार को धारण करने का श्राप मिला था, और ये सब लोग गिलोटिन के नाम से मशहूर थे।